किसने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन चार लोगों में बैठकर आप दूसरे की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहां आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक व्यक्ति की मृत्यु नजदीक थी, लेकिन उसे पता नहीं था। कहां किसी को पता होता है कि मौत कब आने वाली है। यमराज उसे लेने के लिए आए, लेकिन बड़ी दूर से आए थे, थक चुके थे। वो आदमी घर के दरवाजे पर ही बैठा हुआ था, उससे कहा कि पानी पिला दीजिए। वो तो पहचान नहीं पाया, वो अंदर गया, ग्लास लेके आया, पानी पिलाया। क्योंकि यमराज प्यासे थे और प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, उन्होंने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, मैं यमराज हूं, तुम्हें लेने के लिए आया हूं। आदमी डर गया एकदम से। फिर उसे कह रहे चिंता मत करो, तुमने तो अच्छा काम किया है, तुम्हें मौका देता हूं। उन्होंने एक डायरी निकाली और कहा लो इसमें लिख दो, जो तुम लिखोगे वही हो जाएगा, तुम बस लिख दो। आदमी के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं कि अभी एक सेकंड पहले तो मरने वाला था और अब देखो किस्मत पलटने का मौका आ गया। डायरी खोली, पहला पेज, उस पर लिखा था कि जो बाजू वाले घर में रहते हैं, जो पड़ोसी हैं, उनकी लॉटरी निकलने वाली है 3 करोड़ रुपए की। इस आदमी का दिमाग खराब हो गया कि पड़ोसी को 3 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इसने लिख दिया कि वो लायक नहीं है, उसको नहीं मिलना चाहिए। अगला पेज पलटा तो राइट साइड में जो रहते हैं उस पड़ोसी के बारे में लिखा हुआ था। वो नेतागिरी करते थे, नेता थे, तो लिखा हुआ था कि अब तक की जो नेतागिरी वो चमकने वाली है और अब वो मंत्री बनने वाला है। इसने लिख दिया वो तो लायक ही नहीं है, वो मंत्री कैसे बन सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पेज पलटा तो सामने मकान में जो रहते थे उनके लिए लिखा था कि वो जो पड़ोसी है उसको नई गाड़ी मिलने वाली है, वो नई कार खरीदने वाला है। तो इसने लिख दिया वो लायक नहीं है, वो तो 2 व्हीलर पर चलने के लायक है, वो 4 व्हीलर कैसे ले सकता है, ये भी नहीं होना चाहिए। अगला पेज पलटा तो इसके अपने बॉस के बारे में लिखा हुआ था कि वो सुपर बॉस बनने वाले हैं, उनका प्रमोशन होने वाला है, हाई रैंक उन्हें मिलने वाली है। इसे और गुस्सा आया, इसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बॉस तो दिन रात मुझे परेशान करता है, उसका प्रमोशन कैसे हो सकता है। इसने लिख दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला पेज पलटा, अब इसे अपने बारे में लिखना था, इसका नाम वहां लिखा हुआ था, खाली पेज था। ये जैसे ही लिखने जा रहा था, यमराज ने पेन पकड़ लिया, डायरी ले ली और कहा 5 मिनट समाप्त हो गए। ये व्यक्ति हाथ जोड़ करके कहने लगा, अरे माफ कर दो, क्षमा करो, ऐसा मत करो। यमराज ने कहा नहीं, 5 मिनट का समय था, समय समाप्त हो गया, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। मैंने आपको मौका दिया था अपनी किस्मत बदलने का, आपके पास में चांस था, आप जो लिख देते वो हो जाता, लेकिन आप पहले पेज, दूसरे पेज, हर पेज पर लिखते जा रहे हो कि किसी का भला ना हो। जो दूसरों का भला नहीं चाहता उसका खुद का भला कभी हो नहीं सकता। ये छोटी सी कहानी सिखाती और समझाती है कि लाइफ में जो समय है वो दूसरों की बुराई में मत निकालिए। 24 घंटे में से कैलकुलेट करके देखिएगा आप कितना समय दूसरों की कमियां निकालने में निकाल देते हैं। अगर आप उस समय का इस्तेमाल अपनी कमियां निकालने में करें, अपने आप को दुरुस्त करने में करें, तो मुझे लगता है कि जीवन में चमत्कार अपने आप हो जाएगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।